कैसी बात कर रहे हैं आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या जोशी परिवार के किसी मेंबर ने आपको कोई वादा किया हो और पूरा ना किया हो? अरे आपको वादा किया है ना तो आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे और जितने आपने मांगे है ना उससे ज्यादा ही मिलेंगे। डोंट वरी। थैंक यू कामिनी जी, मैंने बहुत मेहनत की है इस केस पे, 7 साल से लगा हूं उस पे। आई नो और उसी मेहनत का तो फल मिल रहा है आपको। बस आज जब आप जोशी हाउस आएंगे ना ये दुख भरी खबर सुनाने के लिए कि उनकी प्यारी पोती इस घर की बेटी पायल अब इस दुनिया में नहीं रही, तो प्लीज उसके लिए सारे सबूत इकट्ठा करके लाइएगा। और कुछ देर पहले मैंने आपको जो वीडियो भेजा है वो तो जरूर लाइएगा। जी मैम। और जब आप घर पे आएंगे ना तो ये लोग आपसे कुछ उलूल जुलूल सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। अब बेटी खोई है ना उनकी, तो बहुत टेंशन में होंगे, मन में बहुत सारे सवाल होंगे और वो सब आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो प्लीज उन सारे सवालों के जवाब सोच के आइएगा। जी मैम, सोच लिए हैं। गुड, बहुत बढ़िया। और ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर आपका कितना भी मन करे मेरी तारीफ करने का प्लीज मत कीजिएगा। वैसे मुझे पता है आप किसी को कभी नहीं बताएंगे कि ये सब कामिनी जोशी के दिमाग की उपज है। बिल्कुल नहीं मैम। वेरी नाइस, ठीक है देन, आई विल सी यू सून। उठाए से काम चोर कहीं का बराबर काम नहीं होता तेरे से। सीधा चल। मैं बदन के ऊपर चमड़ी रहता है, अंदर कितना मांस प्लीज, हड्डी बिड्डी रहता है अपने को पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही इस बस्ती में कितनी गलियां हैं और कितने खोली हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। ये सब के सब बच्चे हीरा माई के सिक्के हैं, करेंसी बोलती है वो उनको, बोलती है इस धंधे में सिक्का जितना खोटा माल उतना मोटा। इसीलिए तो उसने मुझे भी अपना खोटा सिक्का बना दिया। जिनके हाथ पैर सलामत रहते हैं उनसे चोरी करवाती है, पॉकेटमारी करवाती है, नहीं तो भीख मंगवाती है, किसी को मुफ्त का रोटी नहीं खिलाती वो। मिलिन, तुम प्लीज वो इंस्पेक्टर तांबी को फोन करो, ये जो भी जगह उन्हें यहाँ पे बुलाओ और वहीं निपटेंगे सौरभ से, जल्दी। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, फिर मत कहना कि हीरा अम्मा से अपने बेटी का पता नहीं पूछ पाए। अरे पुलिस तो क्या, उस तक कोई नहीं पहुँच पाएगा, सामने सामने क्राइम करती है वो फिर भी कोई मुंह नहीं खोलता। जो करने आए हो ना कर लो और निकल लो, ये जास्ती शान पट्टी मत दिखाओ, नहीं तो फोकट का मरने का इंतजाम होएगा और मेरे को ये लाश पेश उठाने का कोई शौक नहीं है। बड़ी सही कह रही है समय, मैं पाल की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर इसको बुलाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी, शांत रहते। ये कही है मेरी पायल तो नहीं, नहीं भगवान न करे मेरी पायल हो। मिले हमारी पायल कहाँ होगी और अगर उसकी हालत भी कुछ इस तरह से हुई तो? और चीकू, चीकू भी तो घर से बाहर ही कहाँ रह रही कुछ पता नहीं है, अगर चीकू भी इस तरह की जगह पे रह रही होगी उसके साथ, हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने उसे घर से बाहर क्यों निकाला, कैसी होगी वो? मिलिन मिलिन, हमारी पायल की ऐसी ऐसी हालत नहीं होगी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इस तरह से मत सोचो, बिल्कुल हमारी पायल जहाँ भी होगी बिल्कुल सही होगी, विश्वास रखो। लेके चलो उन्हें हीरा अम्मा के पास। ना पोटे, कब से नहीं खाई तू, बोल चेहरा कैसा पीला पड़ गया तेरा भूख के मारे, मालूम? बैठ, अभी मैं खाना लाती तेरे वास्ते। मैं तेरे को अच्छी लगी है? तू मेरी को अब देख, मैं तेरे वास्ते कैसे मस्त कपड़े बनाती, खाती कहीं तू खाना।
वो मैं उधर सब बच्चे लोग के साथ खाएगी, जिधर आपने मेरे को रहने के लिए बोला है ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहीं थाली ले जाती है। मैं नको इधर बैठ। कौन आए तेरे साथ इधर? नहीं ना, भेज दिया तेरे को अकेले इधर। तू काय को तो फिक्र करती का? नहीं वो मैं थैंक्स बोलने के वास्ते आई। बोल देना थैंक्स, बाद में बोल देना। खा भी काय को इतना डरती रे तू? तू तो इतनी ड्यूरिंग पोटी, बिना मेरे से पूछे मेरी खोली में ताका जाके की। अभी मैं तेरे को बिठा रही, तेरे को प्यार से खाना खिला रही, तू तो मना कर रही। काय को मेरा दिल तोड़ी, मेरा इत्ता 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 बड़ा दिल। काय को तोड़ती? खाना खा। अब मैं बिना खाना खाए तो तेरे को यहां से जाने नहीं देगी। मालूम क्यों? क्योंकि तुम मेरे को बहुत अच्छी लगी, एकदम मेरे माफिक। न कोई डर न फिकर, बिना मेरे से पूछे मेरी खोली में ताका जाके की। दूसरे बच्चों को बोला ना तो दो बित्ता दूर से भटक लेते, पर तू बिना पूछे इधर को आई। मस्त पट्टी है तू, मेरे को अच्छी लगती है ऐसी ड्यूरिंग वाली पट्टियां। ये बहुत तीखा है, देवा पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझे पानी। क्या समझी तो मेरे को मिट्टा मिट्टा बोलेंगी तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि तू भीतर से कितनी तिखट मिर्ची है। बिना मेरे को बोले, बिना मेरे से पूछे मेरी खोली में ताका जाके की। काय के वास्ते? तेरे जैसी हजार पुट्टियां मेरे हाथों के नीचे से गुजरी है। पागल ही बना सकती तू मेरे को, समझिए। बंद कर ये फालतू की बातें। कानों का ये बहुत तीखा, मैं नहीं खा पाएगी। प्रसाद नको कि मीठा होएगा। सजा है जो तू मेरे साथ की उसकी सजा। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, फिर भी आपको मेरे को सजा देने का कोई और सजा? तू बताएगी रामा को कि सजा कैसा होना? हीरा अम्मा का स्टाइल सबसे अलग होना। का फाटी है या डालू एक मुट्ठी मिर्ची? सबको पता है ये मेरे खाने का वक्त है। कौन है? जानने वाला तो इस वक्त कोई आता नहीं और अनजानों को मेरी खोली का पता कोई देता नहीं। कौन है? कौन है? जो भी है ना, या तो आएगा नहीं या दोबारा। नाम मंगला, काम एक भी चंगला नहीं, जरा सी ढील के आधी माथे पे चढ़ने लगी तू। मालूम है ना ये मेरे खाने का वक्त होना? कोई को अपना मन सूरत दिखाई अभी? सॉरी अम्मा, दिल से सॉरी बोलती। ये टाइम माफ कर दे, आगे से कभी भी तुझे खाने के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो क्या है ना, काम ही कुछ ऐसा था कि तेरे पास आना पड़ा, तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। हाँ, अभी जरूरत के टाइम पे बच्ची माँ के पास नहीं जाएगी तो किधर जाएगी ना? बोल क्या काम होना? अम्मा ये लोग तुझे ढूंढ रहे थे, हीरा अम्मा जपते थे, मेरे को दिख गए।
मैं लेके आई, अभी तू संभाल अपने भक्तों को। बोलो क्या काम होना मेरे से? अंदर आ सकते हैं? जल्दी से बोलो, वो भी छोटे में, टाइम जास्ती नहीं मेरे को। हमें पता लगा है कि जो भी बच्चे चोरी हो जाते हैं या फिर जो किडनैप हो जाते हैं, आपको उनके बारे में पता रहता है कि वो कहां से गायब हुए या फिर इस समय कहां पर है। मेरे को काय को पता होगा, तू मेरे को बच्चा चुराने वाला समझता? नहीं वो बात नहीं है, हमें किसी ने बताया है कि आप कि मैं बच्चा चुराती, उनसे भीख मंगाती? मैं महंगा शर्ट पैंट पहन के आया तो कुछ भी बोलेगा मेरे को, कपड़ा सिलने वाली को कुछ भी बोलेगा तू? नहीं आप गलत समझ रही हैं, मैं बस आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको कुछ भी पता है तो क्या करेगी मैं? आप हमें बता दीजिए प्लीज, नहीं तो हम नहीं तो क्या करेगा तू? धमकी देता मेरे को, धमकी से नहीं डरती है मैं, धमकाना नहीं मेरे को, मेहनत करके खाती है, समझा? हम आपको धमकी नहीं दे रहे, हम बस दोनों यहाँ पर आए हैं ताकि आपसे मदद मांग सकें, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। काहे को करेगी मैं किसी की मदद? निकाल यहाँ से, निकल। देखिए प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझ नहीं रही है, प्लीज मेरी बात सुनिए, आप बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, इस तरह से मना मत कीजिए ना, हमारी मदद करने के लिए मना मत कीजिए प्लीज। 7 साल हो गए मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है, पता नहीं किसने, तब से नहीं मिली है, मैं आपको बता रही थी क्योंकि 7 साल में हर दिन हर लम्हा हर पल मैंने उसका कितना इंतजार किया, कितनी तलाश की उसकी, अभी तक लौट के नहीं आई है। 7 साल पहले हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, हमारे घर से उसकी बर्थडे पार्टी, कोई इंसान जोकर बन के आया था और हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गया, हमें नहीं पता वो कौन था, लेकिन इतना समझ में आता है कि वो किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह का हिस्सा था। आप तो जानते होंगे ना उसे, मेरा मतलब है कि आपको पता होगा कि वो कौन इंसान हो सकता है, प्लीज हमें पता है कि आप हमारी मदद कर सकती हैं, अगर आप चाहे तो बता सकती हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू बता दीजिए ना कहाँ होगी मेरी पायल। आंखा दिया ना भगवान ने तुम लोगों को, तुमसे देखो मेरी खोली को बच्चा चुराने वाली की खोली लगती है, बच्चा चुराती ना तो तुम लोग जैसा अमीर होती, मैं गरीब है, देख सारे डिब्बों को झाड़ के देख, पैसे की गड्डी दिखती तेरे को उसमें, पता करती है मैं बच्चा चुराएगी, मेहनत करती है, सिलाई करती है, उससे घर चलता है मेरा, तो वक्त की रोटी कमाती और तू बोलती बच्चा चुराती है मैं, अभी खाली पॉकेट मेरे दिमाग की किरकिरी ना पोकर, निकल यहां से, निकल। ये हमारी बच्ची पाल की तस्वीर है, 7 साल पहले से किडनैप कर लिया गया था, आप जरा देख के बताएंगे? नहीं देखना मेरे को किसी की फोटो, दिमाग को ना खराब नहीं करना, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई राड़ा हो, निकलो। अब एक बार देख तो लीजिए कम से कम, हो सकता है आपने इसको कभी देखा हो, कहीं देखा हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले कभी तो देखा होगा। बेकार की बात है नको कर, मैं काय को फोटो देखेगी, नहीं देखनी मेरे को किसी की फोटो, एक बार देख लीजिए शायद आपको कुछ पता लग जाए, अगर कुछ पता बोला ना, नहीं देखना मेरे को।
बेसर माँ बाप है तुम लोग, अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने उसी के जन्मदिन पे खो दिया और मेरे सामने फोटो लेके आ गए कि मैं पहचानती उसको। मैं काय को पहचानेगी, मैं चाची लगती उसकी। कौन कौन भेजा तेरे को इधर, बुला उसे। अपनी कैची से उसकी जीभ काट के इसी मशीन से उसके होंठ सिल देगी मैं। मदद मांगने आ गए, एक ही मदद कर सकती मैं अभी, तेरी पोट्टी के वास्ते कपड़े सिल सकती। पर कैसे सिलेगी, पोट्टी तो है नहीं तेरे पास। तो वो भी नहीं कर सकती मैं, निकल लो इधर से, काम है मेरे को बहुत। कपड़े सिल के देने हैं, राशन वाला मेरा भाई नहीं लगता, दो बखत की रोटी कमानी होती मेरे को। निकलो। फटे हुए कपड़ों के टुकड़े जोड़ती हो और लोगों के परिवार तोड़ती हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? छोटे छोटे बच्चे को अगवा कर उन्हें उनके माँ बाप से अलग कर देती हो, उनसे भीख मंगवाती हो, उनके हाथ पैर कटवा देती हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करती हो। डर नहीं लगता है क्या भगवान से? हाँ, दिखने में तो बड़ी हाम सी इंसान दिखती हो, पर हरकत लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल की जगह पत्थर लगाए, पत्थर। 7 साल से खोज रही हूँ मैं अपनी बच्ची को, इन 7 सालों में मैं बस जिंदा हूँ पर जी नहीं रही हूँ। मेरी बेटी की चिंता मुझे जीने नहीं देती और उसकी याद मुझे मरने नहीं देती है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, या तुम्हारे जैसे किस इंसान की वजह से मुझे नहीं पता। बताओ मेरी बेटी का, बताओ मुझे। देखिए प्लीज, इसके बाद कबूरा मत मानिए, ये बहुत परेशान है। पिछले 7 साल से हम अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं है। आपके पास कुछ भी पता चले हमारी पाल के बारे में तो आप प्लीज हमें बता दीजिए। पता चले खरी, पता है, सब पता है, नाटक करिए। पर मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों से कैसे बुलवाया जाता है। पुलिस बुलवाई किसका मुंह, सुन रही हो ना तुम? क्या पैसों के लिए कर रही हो ना सब कुछ? पैसे पैसे चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए, बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर मुझे मेरी पायल चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची। बताओ मुझे मेरी बच्ची कहाँ है, आपको कुछ पता लगे प्लीज मैं बता दी। चलो यहाँ से, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।